हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास, फाइन। तो आ जाओ, देखो हम लोग वीडियो नंबर जो फाइव है, तो फाइव का जो रेस्ट पार्ट है, अब वहाँ हम लोग यहाँ वीडियो नंबर सिक्स में देखने जा रहे हैं। तो हम लोग वीडियो नंबर फाइव में लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आ जाइए तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखें तो ये वही क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग वहाँ पर 100 वोल्ट लिखे हुए थे, तो चाहे 100 ले लो, चाहे 75 ले लो, कुछ भी लेके सॉल्व कर दो। क्लियर? तो प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। चलो देखो, तो यहाँ पर ये वोल्ट, यह पोटेंशियल कितने पर है? 75 वोल्ट। यह पोटेंशियल 75 वोल्ट, और हम लोग वहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके थे ना, ये कहाँ तक हो गया था। देखो 3V = 75 या 100 जो भी कुछ मान लो, तो फिलहाल हम यहाँ 75 ले रहे हैं। तो 3V = 75, तो V = 25/3 कर दिया। अब V = 25/3, तो V बराबर कितना होगा? 25 वोल्ट। ये 25 वोल्ट क्या बता रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25, तो ये क्या है? 25 दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हाट इज द 25? तो 25 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, अब चलो आपको बताना क्या था, आपको बताना था कि ए वाली प्लेट किस पोटेंशियल पर है। तो ये तो डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा यदि 100 होगा, तो यह इसका पोटेंशियल वी ए 100 हो जाएगा। 25 है तो इसका पोटेंशियल 25 हो जाएगा। तो VA की वैल्यू कितनी हो गई? तो VA इक्वल टू 25 वोल्ट, यानी कि ये वाली प्लेट 25 वोल्ट। अब बात रही VB की, यानी कि दूसरी वाली प्लेट का क्या होगा? तो VB इक्वल टू, देखो अब यह 25 का डिफरेंस है ना, तो जब यह 75 है, 25 का डिफरेंस है, तो सिंपल सी बात है कि VB का मान कितना होगा? 75 - 25। देखो VB बराबर 75 - 25 वोल्ट। ओके, तो कितना हो गया VB का मान? 50 वोल्ट। अब देखो ये बी वाली प्लेट कितनी हो गई? 50 वोल्ट हो गई। तो जब बी वाली प्लेट 50 वोल्ट हो गई, तो ये सी वाली प्लेट किससे जुड़ी हुई है? बी और सी आपस में कनेक्ट है, तो बी और सी आपस में कनेक्ट होने के कारण क्या हो जाएगा? बी और सी आपस में कनेक्ट है, तो जितना पोटेंशियल बी का होगा, उतना ही पोटेंशियल सी का होगा। तो अब यार देखो सी वाली प्लेट का बी पोटेंशियल कितना हो गया? 50 वोल्ट। यहाँ तक पहुँच गए, क्लियर है? और यह डिफरेंस कितने का था? 25। यह डिफरेंस 25, तो अब देखो 50 में से 25 माइनस करो, तो वी डी वाली प्लेट किस पे हो गई? 25। तो वी डी बराबर कितना हो गया? वी डी बराबर 25। और फिर देखो अभी वी डी 25 हो गया, और यह ई, तो वी ई भी कितनी हो गई? उसी से कनेक्ट है, 25। अच्छा, और अब ये किस पे है? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 25, तो ये हो गया 0। तो क्लियर? तो देखो वी डी बराबर 50 - 25, 25 वोल्ट। ओके, तो सारी प्लेट की वैल्यू निकल गई। एक बार फिर से सुनो, वी है कितना? 75। यदि यहाँ 100 होता तो 100, 200 होता तो 200, डायरेक्ट जुड़ा हुआ उसी बिंदु से। क्लियर? चलो, तो वी ए इक्वल टू जो भी यहाँ रहेगा, जिससे जुड़ा रहेगा, हो गया। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना माइनस करोगे, तो दूसरी प्लेट का निकल जाएगा। ये प्लेट और ये प्लेट सेम पोटेंशियल पर दोनों होंगी, ठीक। उसमें से फिर यहाँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना माइनस करोगे, तो इसका आ जाएगा। यह और यह दोनों जुड़े हुए हैं एक से, तो यह सेम होगा। फिर जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ माइनस करोगे, इसमें से जितना माइनस करोगे, तो इसका निकल जाएगा। और यह चूंकि अर्थिंग है, तो हमेशा जीरो पर होगा। क्लियर? फर्स्ट क्लास। चलिए अब आगे नुमेर कर लेते हैं। और आगे देखा जाए नुमेर का, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम इनिशियल से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। कि जिसका फिजिक्स बिल्कुल जीरो जानता हो, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो एकदम जीरो से बिल्कुल इसको पढ़ना स्टार्ट करिए, और जाइए वहाँ तक, उस लिमिट तक आपको पहुँचाऊँगा जहाँ से आगे की फीस जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। या तो आपको IIT क्वालिफाई करना है, आपको या तो IIT क्वालिफाई करना है, या तो आपको NEET क्वालिफाई करना है, या तो आप बोर्ड के स्टूडेंट होंगे। अदर दैन कोई भी इंडिया का कोई भी एग्जाम होता है, तो किसी कोई भी स्टूडेंट हो ना, जहाँ पर फिजिक्स का पेपर देना हो, तो जहाँ तक किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहाँ तक हम लोग उस लिमिट तक आपको हम लोग सॉल्व करेंगे। मीन्स IIT, मेंस IIT, एडवांस NEET, प्लस अपना बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर ना, पूरा ऑल ओवर इंडिया का बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड है, या चाहे वह IIC बोर्ड है, या चाहे CBSE बोर्ड है। ओके, चलो तो अब हम लोग लेते हैं इसके आगे अलग क्वेश्चन। सपोज करिए कि यह एक कैपेसिटर है, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, और ये चौथा कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर कुछ दिए हुए हैं,
यहाँ पे जैसे मान लो सपोज करिए कि 4 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है, यहाँ पर 6 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है, यहाँ पे 5 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है और यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ नाम कुछ दे दिया है ना, और कह रहा है कि ए बी सी और डी और डी, तो कह रहा है कि ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं आपको और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नंबर 1, सपोज करो कि हमको ए और बी के बीच में बताना है, यानी कि हम लोगों को क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, ठीक, क्या करोगे? तो चलो जिस पॉइंट पर, जिन दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस बताना होता है, या ऐसे ही जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक कंडक्शन, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस बताना होता है, तो या तो रेजिस्टेंस बताना हो, या तो रेजिस्टेंस बताना हो, या नहीं तो कैपेसिटेंस बताना हो, तो वे दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके बीच बताना होता है, वही दोनों पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आ जाइए देखिए, तो ए और बी के बीच बताना है हम लोगों को, तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हम लोगों के लिए। अब ए पॉइंट पर सपोज किया जाए कि ये पॉइंट पर हम लोग चार्ज दे रहे हैं ए पॉइंट को, तो जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है सामने, जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन सामने आता है, तो दोनों जो पॉइंट होते हैं ना, उन दोनों पॉइंट में ये सोचो, दोनों पॉइंट में ये सोचो कि एक पॉइंट पे हम चार्ज दे रहे हैं और उस चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले करके जाना है। तो चलो ए पॉइंट को चार्ज दो, अब चार्ज के जाने का रास्ता यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो चार्ज इधर भी जाएगा क्योंकि बी तक पहुँचना है, ए से बी तक पहुँचना है, ए और बी, अब बी पर दोगे तो ए तक आना है, ए पर दोगे तो बी तक जाना है। चलिए सपोज़ किया कि हमने चार्ज दिया क्यों, अब ये चार्ज को जाने के दो रास्ते हैं, एक तो इधर और एक तो इधर, तो ये जो पार्ट इधर गया वही इसमें भी होगा, वही इसमें भी होगा, क्योंकि ये देखो ना एक ही वायर है, सिंगल वायर है, तो एक ही चार्ज इनमें फ्लो करेगा, तो चूँकि जो इसमें है वही इसमें है वही इसमें, और हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं कि वे सारे के सारे कैपेसिटर जिनमें सेम एक ही चार्ज फ्लो कर रहा होता, समान चार्ज फ्लो कर रहा होता है, वह हमेशा किस में होते हैं, सीरीज में। और वे सारे के सारे कैपेसिटर जिसमें एक ही पोटेंशियल होता है, यानी कि समान पोटेंशियल होता है, वह किस में होते हैं, वह होते हैं हम लोग के पैरेलल में। ठीक यही कंसेप्ट इलेक्ट्रिक कंडक्शन में लगाओगे, अंतर ये होगा कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन में कहोगे कि वे सारे रेजिस्टेंस जिसमें एक ही करंट बह रही होती है, वे सारे रेजिस्टेंस जिसमें एक ही करंट बह रही होती है, वह सीरीज में होते हैं, और वे सारे रेजिस्टेंस जिसमें एक ही पोटेंशियल होता है, वे सब के सब किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। ठीक कंसेप्ट वही रहेगा। अब यहाँ पे देखो तो यह और यह, ये सब के सब किस में हो गए, सब के सब किस में हो गए, सीरीज में हो गए। अच्छा, और सीरीज में किसी भी दो का, सीरीज में किसी भी दो का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, सी डैश बराबर सी वन इंटू सी टू अपान सी वन प्लस सी टू निकालते हो ना, तो सी डैश बराबर सी वन इंटू सी टू मीन्स कोई दो ले लिया जाए, पहले चलो सी वन सी टू मान लिया जाए, तो फोर इंटू टू अपान फोर प्लस टू, तो सी डैश बराबर कितना हो गया, फोर इंटू टू अपान फोर और टू सिक्स, दो से काट दो यहाँ पे थ्री, तो सी डैश बराबर कितना आ गया, फोर बाई थ्री। देखो इसका और इसका निकल गया, फोर बाई थ्री आ गया, एक इसमें है दोनों सीरीज में, तो सीरीज में इनका रिजल्ट निकल दिया। आ जाओ अब जो आया इन दोनों के बदले में एक आ गया, आ गया जो आया और वह यह एक किसमें हो जाएंगे, फिर किसमें, सीरीज में। तो अब चलो सी, इसको सी वन नाम दे दिया जाए, सी डैश सीरीज, चलो रहने दो, सी डबल डैश बराबर तब कितना हो गया, तो जो आया है वह फोर बाई थ्री इंटू यहाँ कितना है फाइव, फाइव अपान फोर बाई थ्री प्लस फाइव। अब ये किस में है, सीरीज में इन दोनों का, फिर से देखो यह और यह, ये दोनों किस में है, सीरीज, इनका इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो इनका इक्विवेलेंट निकाला सी वन सी टू अपान सी वन प्लस सी टू, आंसर आ गया कितना फोर बाई थ्री। अब इन दो का फोर बाई थ्री आया, और यह जो आया वह और यह फिर सीरीज में है, तो उसका इक्विवेलेंट निकाल दो, फोर बाई थ्री इंटू फाइव अपान फोर बाई थ्री प्लस फाइव, फोर बाई थ्री इंटू फाइव अपान तीन से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर तीन से मल्टीप्लाई करो, तीन गुणे पाँच पंद्रह हो गया और चार उन्नीस हो गया, तो नाइनटीन अपान थ्री हो गया।
अब जरा देखो यहाँ ऊपर कितना हुआ, 5×4 यानी कि ये हुआ 20/3 और अपान यहाँ पे कितना है 19/3, 3 कैंसिल हुआ, यहाँ कितना हो गया 20/19, क्लियर। चलिए आ जाओ भाई, तो 20/19 मीन्स कि अब ये ऊपर का पूरा हम लोगों ने निकाल दिया और आया यह 20/19, नीचे कितना भाई 6। अब ये जो आया ऊपर का एक, सबके बदले में 3 के बदले में कितना हुआ एक सिंगल, कितने का 20/19 का, और नीचे कितना जुड़ा हुआ है 6, तो 20/19 और 6 माइक्रोफेरेड किसमें हो गए पैरेलल। चलो अब आ जाओ, तो फाइनल आंसर क्या हुआ कि सी नेट कितना हुआ आपका, यानी कि किसके बीच बताना था, ए और बी के बीच, तो ए बी बराबर कितना हो गया 20/19 प्लस ये कितने का था 6, तो 6 ओके। अब ए सॉल्व कर दो इसी को, तो कितना जाएगा सी ए बी बराबर 19, तो 20/ हाँ ऐसे सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे कितना जाएगा 19 और ये हो जाएगा तो 19 और 6 तो 4×5 और 114, तो 114 और प्लस, तो 114 और 20 निकल दो, तो 114 और कितना है 20 मीन्स कि 4 और 3 134, तो 134 कितना हुआ 134/19 ओके माइक्रोफेरेड। तो फाइनल आंसर क्या मिला इसका, फाइनल आंसर मिला इसका 134, देखो 19 इंटू 6 करोगे तो 19 इंटू 6 करते 114 आ गया, और 114 प्लस 20 134 होगा, और 134/19, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो दिस इज द कंसेप्ट ओके, कि कहीं पर भी जब ज़्यादा कैपेसिटर्स दिए हो, यानी दो से ज़्यादा जब कैपेसिटर हो, या दो से ज़्यादा जब रेजिस्टेंस हो, तो उनको कैसे सॉल्व करोगे, अंतर क्या होता है कि सीरीज में है या पैरेलल में है, ये तो देखोगे दोनों के देखने का तरीका एक ही होगा। कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में है, सभी दिए हुए रेजिस्टेंस सीरीज में या पैरेलल में है, तो इसको तो देखने का तरीका एक ही है, सीरीज और पैरेलल पहचानने का। अंतर क्या है कि जो कैपेसिटर में सीरीज का फार्मूला होता है वही रेजिस्टेंस में पैरेलल का होता है, और जो उसमें सीरीज का होता है वो इसमें पैरेलल का होता है, यानी कि जो फार्मूला सीरीज और पैरेलल का है वह रिवर्स है दोनों में। तो अभी इलेक्ट्रिक कंडक्शन पे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग यहाँ कैपेसिटर पहले है, तो हम लोग कैपेसिटर भी देख रहे हैं ओके। चलो आ जाओ, अब इसी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन यही है और एक बार फिर से अब बिंदु बदल देते हैं, अभी बताना था हम लोगों को किस में। चलो अभी हिसाब से फिर से ले लिया जाए, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 2 माइक्रोफेरेड ओके। चलो ऊपर कितना है भाई, तो ऊपर था हम लोगों का, ऊपर कितना था 4 माइक्रोफेरेड, तो चलो ले लेते हैं कुछ भी ले लो 4 माइक्रोफेरेड मान लो। चलो यहाँ पे कितना था भाई, तो यहाँ पे तो मिट गया है, तो कितना भाई कुछ भी ले लिया जाए, चलो कोई वैल्यू रख देते हैं, पॉइंट बदल देते हैं कहाँ बताना है, तो यहाँ पर परहैप्स यहाँ पे था 5 माइक्रोफेरेड था ओके। चलो ठीक है, और हो गया सारी वैल्यू हो गई। अब हमको करना क्या है, अब हम लोगों को बताना ये है कि यहाँ पर पॉइंट ए बी सी डी ना, ये पॉइंट कौन सा हम लोगों का डी। चलो अब सपोज करो कि हमको अभी ए और बी के बीच तो बता दिए, अब हम लोग को बताना है किसके बीच, अब हम लोग को बताना है ना ए और डी के बीच, इनके बीच बताना है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच बताना है ना, इन दोनों बिंदुओं के बीच बताना है, डायगोनली बताना है ओके, यहाँ बताना है। तो क्या करोगे क्या तरीका है चेक करने का, कोई भी कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वह सीरीज होगा या पैरेलल होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन सीरीज होगा या पैरेलल होगा, यह कैसे चेक करोगे, दो बिंदु दिए होंगे, किसी दो बिंदु के बीच ही आपको बताना होगा हमेशा, किसी दो बिंदु के बीच ही हमेशा आपको बताना होगा, तो कैसे चेक करोगे, तो देखोगे कि एक बिंदु पर पहले चार्ज रख दो और दूसरे बिंदु तक उसको ले जाओ, जिस कैपेसिटर में एक ही चार्ज होगा, जिस कैपेसिटर में एक ही चार्ज होगा वो सीरीज में होगा,
और जहाँ चार्ज बंट रहा होगा उसके आगे पैरेलल होगा। तो अब जैसा देखो, ए बिंदु पर हमने चार्ज रखा क्यों, इसको जाना है कहाँ है डी, जाने के कौन से तरीके हैं भाई, जाने के ए से डी तक ले जाना है, यहाँ से ए पर दिया और डी पर हमको फ्लो कराना है, सपोज करो ए से डी तक ले जाना है, तो जाने का कौन सा तरीका होगा, एक रास्ता तो ये है और एक रास्ता ये है, चार्ज ऐसे जाएगा तो इसमें और इसमें एक ही चार्ज होंगे, यदि इधर इस पाथ को देखा जाए तो यहाँ और यहाँ इन दोनों में एक चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों सीरीज, और ये दोनों देखो, अब ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों भी हो गए सीरीज, हो गए, तो ये दो सीरीज और ये दो सीरीज, अब इन दोनों का सीरीज में निकाल लें और इन दोनों का सीरीज में निकाल लें, और फिर जो आया इसका भी आया, जो मान लो कुछ भी आया C1, इसका आया C2, तो C1 और C2 फिर किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, ओके पक्का फर्स्ट क्लास। चलो तो अब इसका जैसा सीरीज में बताओ फटाफट कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाले का मान लिया सीरीज में आ रहा है C1, तो C1 इक्वल टू फार्मूला याद है ना, C1 C2 अपन C1 प्लस C2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इक्विवेलेंट सपोज करो आया C1, तो C1 बराबर कितना 4 × 5 / 4 + 5, तो C1 इक्वल टू 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 9, ओके, तो हाउ मच 5 × 4 = 20/9, तो 20/9 microfarad, दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ द दिस एंड दिस, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया। अब आ जाओ फिर, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट देखो, इन दोनों का इक्विवेलेंट एक कितना है 2 और एक कितना है 6, तो इसका इक्विवेलेंट कितना है बेटा, तो C1 हो गया, तो C2 देखो कितना हुआ इसका इक्विवेलेंट, चलिए बोलिए 2 × यहाँ पे कितना है 6, तो 2 × 6/2 + 6, तो C2 बराबर कितना हुआ 2 × 6/6 = 2 = 8, 2 से काट दो इसको ना, कट गया बेटा, तो 2 से कटा यहाँ पे 2 × ये हो गया 4, तो C2 बराबर कितना हुआ 6/4, 6/4 मीन्स कितना हो गया 3/2, 3/2, नो माइंड। अब यहाँ पे आया देखो, अब ये C1, ये दोनों का आया है कितना 20/9, और यहाँ पे कितना आया 3/2, तो 20/9 प्लस कितना 20/9 वो ऊपर वाला दोनों का, और इन दोनों का कितना आया 3/2 प्लस 3/2, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, ओके। अब इसको सॉल्व कर दो, दोनों को जोड़ दो डायरेक्ट, तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या कर दिया जाए, चलो आ जाओ जोड़ लोगे ना, हाँ चलो आ जाओ ठीक ओके, तो 20/9, चलो भाई इसमें नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो 40 ना, इसका एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए, तो नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 40 हो गया और ये हो गया 18 प्लस, चलो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे ना, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो मान में तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करो, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 27/ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो 18, तो क्या पा रहे हो C′ = नीचे दोनों डिनोमिनेटर बराबर हैं तो ऊपर 40 और 27, तो 67/18 microfarad, ओके, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, ओके। चलो तो अब ऐसे ही आ जाओ, तो देख रहे हो, तो बहुत ही आसान है, सब कुछ बहुत ही आसान है, बस इसके फर्स्ट क्लास का अच्छी तरह से समझने की कंसेप्ट को ना सीखने की ज़रूरत है, नंबर वाइज धीरे धीरे बढ़ो अपना टॉप लेवल के न्यूमेरिकल्स, तो पहले तो जब आसान वाला समझोगे तब ना टॉप लेवल पर, कि सीधे टॉप लेवल पे जाओगे और कुछ पीछे ना क्लियर है तब मज़ा नहीं आएगा ना बेटा। तो हम लोग कैसे करना है, हम लोगों को बिल्कुल एकदम इनिशियल 0 से स्टार्ट करो, देखते जाओ पूरी थ्योरी समझते जाओ, 0 से क्या क्यों कैसे, क्या क्यों कैसे, 0 से उसको देखते जाओ ठीक, और जाओ कहाँ, बिल्कुल टॉप लेवल पर, जिसके आगे आपको फिजिक्स की ज़रूरत नहीं है अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। चलो आ जाओ और अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और किया जाए यहाँ पे, एक एग्जाम्पल और कर लिया जाए। चलो देखो, अब जैसे सपोज किया जाए
कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ओके, ये दो कैपेसिटर है, एक तीसरा यहाँ लगा हुआ है, सबकी वैल्यू आपस में बराबर है, सी सी ना, सभी सी हैं, सब आइडेंटिकल है, ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल एंड पॉइंट इज गिवेन ए बी। फिर ऐसे ही ब्रांच बढ़ाते चले जाऊँ, ब्रांच बढ़ाते चले जाऊँ ना, देखो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और आगे बढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, हो गया, कहाँ तक पहुँचे, ये है मान लो पी और ये है क्यू पॉइंट रन ना, आ जाओ देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में, तो क्या है कैसे सॉल्व करोगे, तो सी 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 यहाँ हो गया, फिर यहाँ भी सी, ये भी सी, ये भी सी, और यहाँ भी सी, और यहाँ भी सी, ठीक। चलो और आपसे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि प्रत्येक सी ना ईच, आपको दिया हुआ कि ईच सी इक्वल टू 10 माइक्रोफेरड दिया हुआ, ईच सी इक्वल टू 10 माइक्रोफेरड आपको दिया हुआ, ठीक। और अब आपसे पूछ रहा है नंबर एक, नंबर एक में क्या सी ए बी बताना है, नंबर दो, नंबर दो सी डायगोनली सी ए क्यू बताना है, ठीक, आ जाओ। अब फिर नंबर तीन, नंबर तीन में सी बी पी बताना है, और नंबर चार, नंबर चार में क्या है कि ए क्यू हो गया, हाँ, और नंबर चार में सी पी क्यू बताना है। तो आपके सामने कितने क्वेश्चन, इसी डायग्राम एक है, डायग्राम एक है, और आपके सामने चार क्वेश्चन है, ये वैल्यू आपको बतानी है, इसको सॉल्व करना, ये वैल्यू आपको बतानी है, क्या करोगे। चलिए नियम वही रहेगा, नियम वही रहेगा, क्या करते हो कि जो पहले तो वो दो पॉइंट ले लो, दो पॉइंट ले लो, जिन दो पॉइंट के बीच में बताना है ना, दोनों पॉइंट ले लीजिए, ले लिया, एक पे चार्ज रखो, दूसरे तक लेकर के जाना है। और एक बात याद रखना कि चार्ज और करंट और हीट, चार्ज करंट हीट लाइट, क्या बोला फिर से सुनो, चार्ज लिखो, लिखो जल्दी, चार्ज करंट हीट लाइट, इन चारों की ये टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा शॉर्ट से शॉर्ट पाथ को फॉलो करते हैं चलने के लिए। देखोगे ऑप्टिक्स में, देखोगे ना ऑप्टिक्स में, देखो फॉर्मेट प्रिंसिपल, तो फॉर्मेट प्रिंसिपल यही कहता है, फॉर्मेट प्रिंसिपल जब पढ़ोगे ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, तो वहाँ पर सिखाऊंगा, तो वो कहता क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, वो कहता है कि हमेशा लाइट, हमेशा लाइट शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करती है, यानी कि उस पाथ को फॉलो करता है लाइट हमेशा, जिस पर डिस्टेंस उसको या डिस्प्लेसमेंट उसको कम से कम चलना पड़े। यही प्रिंसिपल बिल्कुल करंट का है, और यही प्रिंसिपल चार्ज का भी है। अब जैसा देखो भाई, तो जब पहला वाला पार्ट किया जाए पहले सॉल्व, सी ए बी हम लोग करते हैं पहले, यहाँ पे ले लो ए और ये है बी, चार्ज को जाना है ए से बी ना, तो ये बात हमेशा दिमाग में रहे कि वह हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगा, करंट और चार्ज ये दोनों हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेंगे, बात समझा, क्लियर हुए। चलो अब इसी बात को लेकर के सोचो, चलो ए पर चार्ज रख दो, ए और बी के बीच बताना है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर चार्ज रखो और दूसरे तक लेकर के जाओ उसको, ठीक है ना, चलो ले जाओ आगे, बढ़ाओ यहाँ, पहुँचे यहाँ, यहाँ से आगे देख रहे हो कि एक पाथ यहाँ दिख रहा है, दूसरा पाथ यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा, चलो अब ये वाला जब नीचे आएगा चार्ज, मान लो यहाँ पहुँचा, तो जब यहाँ पर पहुँचा, और चार्जिंग का कंसेप्ट वही है जो आप पीछे पढ़ चुके हो कि चार्ज कैसे जा रहा है, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हो, तो अब ये पहुँचा जब यहाँ पर, तो अब इसको दो रास्ते मिल रहे हैं, एक इधर और एक इधर, तो मंजिल कहाँ है, बी पर, तो जाना किस पर है, बी पर, अपने मंजिल पर, दूसरा रास्ता नहीं पकड़ना, पक्का, बात समझ रहा है, तो चलो तो किस पर जाना है, बी पर, तो दूसरा रास्ता ये है, इधर नहीं जाएगा, उधर क्यों जाएगा, जाना है बी पर, मंजिल यहाँ है, इधर क्यों जाएगा, इधर नहीं जाएगा, तो ये वाला जो चार्ज आया वो यहीं से टर्न हो गया, किधर, मंजिल पर, अब चलो इधर जाना नहीं है, तो ये तो यहाँ से यहाँ आया, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये पहुँचा यहाँ पर, अब फिर से दो पार्ट हो गए, अब यहाँ देखो यहाँ भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, तो अब फिर ये आया यहाँ, तो अब जब ये आया यहाँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ से मंजिल इधर है, इधर जाएगा, उधर क्यों जाएगा, जाएगा उधर नहीं, अच्छा अब इसको देखो भाई, क्यों इधर जाएगा नहीं, क्यों, यहाँ से यदि उधर जाएगा तो मंजिल पे नहीं पहुँच पाएगा ना, तो ये बहुत देखो अब इधर जो आया, तो ये बड़ा होशियार है, देख रहे हो ना, ये सोच रहा है कि यहाँ जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे, तो ये इधर जाना ही नहीं इसको,
यह जाना ही नहीं उधर, क्यों? क्योंकि ये पहले ही सोच लिया कि इधर जाएंगे तो फिर वहाँ रास्ता चाहिए जाने के लिए, और चार्ज और करंट का फ्लो वन वे होता है, पक्का बात समझो ना, वन वे, वन वे यानी कि जिधर से जाते हो उसी रास्ते में नहीं वापस आना होता है, जा करके कोई दूसरा रास्ता चाहिए, तो जा करके यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ के आगे रास्ता है ही नहीं, तो ये उधर जाएगा नहीं। परिणाम क्या हुआ कि यह और यह, ये दोनों के दोनों क्या हो गए? नॉन इफेक्टिव। ये दोनों क्या हुए? नॉन इफेक्टिव। तो अब जब ये दोनों नॉन इफेक्टिव हो गए तो अब जा देखो, आ जाओ अपने आंसर पर। यह और यह मीन्स सी 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 किसमें जुड़े हुए हैं? सी सी और सी किसमें जुड़े हुए हैं? सभी में एक चार्ज फ्लो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे एक चार्ज फ्लो कर रहा है सभी में, जो आया है वही यहाँ से टर्न हुआ है, वही यहाँ पर आया है। तो सी 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 किसमें है? पैरेलल। तो तीनों पैरेलल में होते हैं, तो अब मैं आपको बता चुका हूँ पीछे कि जब सभी कैपेसिटर बराबर होते हैं ना, अब उनका जो निकालना हो तो उनको सीरीज निकालना हो, किसमें है? ये सीरीज में। तो जब सीरीज में निकालना हो और सभी कैपेसिटर बराबर हो, कोई एक लेकर के नंबर जितने भी कैपेसिटर नंबर से डिवाइड कर दो। देखो फिर से सुनो क्या बोला हूँ, सी 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 है ना बेटा, चलो एक ले लो, कोई ले लो, सी ले लिया, एक है सी, उसमें कितने कुल, वन टू थ्री, थ्री से डिवीजन कर दो, बस आ गया इक्विवेलेंट। ट्रिक, वेरी फैंटास्टिक ट्रिक, हो गया बस पक्का, अभी सॉल्व हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बराबर होने चाहिए। मान लो यह रहता 10 10 10, तो 10/3, तीन है ना, तीन, पाँच होते तो पाँच, चार होते तो चार, चार डिवीजन कर दो, सीधा आंसर हो गया, सी बाई थ्री हो गया। तो अब देखो सी बाई थ्री हो गया, अब इन इसके बदले में हो गया सी बाई थ्री, अब ये सी बाई थ्री आया कहाँ पर, इन दोनों बिंदुओं के बीच में निकाले हो ना, इन दोनों पॉइंट के बीच में निकला है ना, तो अब देखो यहाँ पे आ गया, तो जो सी बाई थ्री आया वह और यह किसमें हो गए? पैरेलल। तो अब पैरेलल में जानते हो सीधे जुड़ जाना है, तो सी डैश बराबर कितना, सी प्लस सी बाई थ्री, यानी कितना हो गया, थ्री सी प्लस सी यानी फोर सी, फोर सी बाई थ्री। अब यहाँ तक पहुँच गए, ये भी सॉल्व हो गया, अब कौन बचा है, एक सी डैश जो आया प्लस यह प्लस यह, चलिए तो अब यह किसमें है, सीरीज है ना। तो अब यहाँ देखो सी और सी, तो सी और सी सीरीज में सी बाई टू हो गया, तो सी बाई टू इन दोनों का सी बाई टू हो गया, और उसके साथ ये भी सीरीज में है, सी डैश जो आया है, तो सी बाई टू इंटू कितना है, फोर सी सीरीज में। देखो फिर से सुनो, सी और सी का सी बाई टू हो गया, और यहाँ पे क्या पाए थे इन सब का, फोर सी बाई थ्री, तो फोर सी बाई थ्री और ये जो सी बाई टू इन दोनों का आया, ये दोनों किस में है, सीरीज में, और सीरीज में है तो इसलिए सीरीज का फॉर्मूला लगा दो, तो सी ए बी फाइनल सब यहाँ मिलने जा रहा है तुमको, क्या मिला, सी बाई टू इंटू फोर सी अपान थ्री अपान क्या, सी बाई टू प्लस फोर सी अपान थ्री, कितना आ गया आंसर, ओके कितना आ गया, चलो देखो ऐसे ही छोड़ाने दो, तो ऐसे कर दो, तो देखो बेटा फोर सी है और सी, तो फोर फोर सी स्क्वायर कर दो ऊपर, फोर सी या ऐसे रहने देते हैं, छोड़ दो अभी कट जाएगा, तो सी इंटू फोर सी, ओके सी इंटू फोर सी, नीचे कितना है सिक्स, नीचे कितना है सिक्स अपान नीचे, यहाँ पे आ जाओ जोड़ दो इसको नीचे पर तीन से गुणा कर दो, तो थ्री सी अपान यहाँ पे कितना हुआ सिक्स हो गया ना, नीचे पर तीन से गुणा कर रहा हूँ, इसमें दो से कर रहा हूँ, प्लस जोड़ दो इसको, दो से करो, तो एट सी अपान दो से करो सिक्स, कितना हो गया, एक लाइन और लिख दो, चलो ऊपर लिखता हूँ, यहाँ देखो यहाँ पे देखो क्या बेटा आंसर फाइनल, तो सी ए बी बराबर कितना आ रहा, तो सी ए बी बराबर, हाँ सी ए बी बराबर, देखो सी ए बी बराबर यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर भी देखो थ्री सी सिक्स और सिक्स सिक्स यहाँ सिक्स एलसीएम, यहाँ पर भी ऊपर सिक्स, तो सिक्स और सिक्स सीधा कैंसिल हो गया, और एट और थ्री इलेवन, तो इलेवन, तो ये देखो सिक्स, ये सिक्स दोनों और ये सिक्स कैंसिल हो चुके हैं ना, तो सी ए बी बराबर कितना आ गया, चलो बोलो यहाँ पे जल्दी फटाफट, तो फोर सी स्क्वायर ही चलो ले देता हूँ, तो फोर सी स्क्वायर अपान ये सिक्स कैंसिल हो चुका है, अब यहाँ एट और थ्री कितना हो गया इलेवन, तो इलेवन सी, सी से सी कैंसिल, सी ए बी फाइनल आंसर कितना बेटा, फोर बाई इलेवन
सी ओके दिस इज अ फैंटास्टिक आंसर। और अब जा देखो एक सी का मान दिया हुआ है सी ए बी, तो सी ए बी बराबर 4/11 इंटू 10, तो कितना आ गया 10/40 तो ए सी ए बी के साथ ए बी के बीच, तो सी ए बी का फाइनल आंसर कितना आया 40/11 माइक्रोफेरेड, 40/11 माइक्रोफेरेड। क्लियर आ जाओ। चलो अब इसमें दूसरा बताना था हमको डायगोनल पे। अब एक बात क्लियर है कि चाहे हम ए बी के बीच निकालें, चाहे हम पी क्यू के बीच निकालें, तो जो ए बी के बीच होगा वही पी और क्यू के बीच भी होगा, यानी कि पी क्यू वाला चार नंबर आंसर वैसे ही आ गया, वैसे ही कितना 40/11 माइक्रोफेरेड। क्लियर हो गए। अब एक देख लिया डायगोनल में, देखो जो ए और क्यू के बीच होगा वही बी और पी के बीच होगा। क्या सुना, ए और क्यू के बीच में जो होगा ना वही बी और पी के बीच भी होना है, होना है। आ जाओ एक डायगोनल का निकाल लो। चलो डायगोनल पे चलते हैं, तो दोनों डायगोनल में से कोई भी एक निकालोगे दोनों आपस में क्या होने हैं बराबर होने होने हैं। आ जाओ यहाँ पे जो सब लिखा हुआ है हटा दो थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक अब देखो भाई यहाँ क्या हो रहा, डायगोनल पे निकालोगे तब क्या होगा। चलिए तो हटा दिया जाए इसको, हट गया। चलो आ जाओ फर्स्ट क्लास ओके। हाँ ए बी है ना और बी पी डायगोनल पे कोई नहीं लो। चलो ए से क्यू का निकालते हैं हम लोग, ए से